यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती की दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये दुखती रग थी 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड, जिसको उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम आज तक भूल नहीं पाई है। इसी गेस्ट हाउस कांड को याद करके उन्होंने सपा के साथ साथ कांग्रेस को रखकर सुना डाला। बसपा अध्यक्ष ने एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से लिखा, सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। मायावती ने ये भी कहा कि तभी फिर माननीय श्री काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था, तथा विपक्ष में भी संसद को घेरा, तब जाकर यह कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। बसपा चीफ यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहां यूपी में राष्ट्रपति शासन में लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका यह षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। मायावती ने अखिलेश और कांग्रेस की पार्टी को सुनाने के साथ साथ बीजेपी की तारीफ भी कर दी। उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है, लोग सचेत रहें। आखिरी और छठे पोस्ट में बसपा चीफ ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी एसटी व ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी, जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व फीमिलियर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए है, जवाब दे। मतलब साफ है, गेस्ट हाउस की घटना के बहाने मायावती ने यूपी के दो लड़कों को घेर लिया है। हालांकि अभी 2 ही दिन बीते होंगे जब खुद पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आभार जताया था, साथ ही साथ बीजेपी को भी लपेटे में लिया था, लेकिन उसके अगले ही दिन से वो सपा और कांग्रेस पर फायर है।